देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें सामने आई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां सीएम ने बन्नू स्कूल से झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की है और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। आपको बता दें, कल यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिरकत करना है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत स्वच्छता अभियान के साथ सीएम धामी ने की। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, चूँकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मरचूला के पास, जिसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह इस श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके पारिवारिक जनों को जो आघात पहुँचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। साथ ही हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो यूसीसी लागू करने की डेट मार्च 2025 तक हो सकती है। गुरुवार को दून यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर इस बात के संकेत भी दिए कि जल्द ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की डेट घोषित कर दी जाएगी। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूलिंग तैयार होने के बाद अभी अधिकारियों कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देनी बाकी है। यूसीसी की नियमावली बनाने में शामिल रही कमेटी अब ट्रेनिंग की कार्य योजना और मास्टर ट्रेनर तैयार करेगी। मास्टर ट्रेनर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। प्राप्त हुआ, देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड देश का बन गया कि यूसीसी हमारा यहाँ पर विधेयक के रूप में पारित हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको जो है उसमें अपना अनुमोदन दे दिया और उसके बाद एक्ट बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए भी हमने हमारे मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सारा काम करके वो भी हमको दे दिया। एक बड़ा लगभग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना है और जल्दी हम उस स्थिति का भी ऐलान कर देंगे कि हम यूसीसी राज्य के अंदर कब से लागू करेंगे। विधायकों के लिए देहरादून में विधायक हॉस्टल बनाया गया है। इस हॉस्टल में मंत्रियों को छोड़कर हर विधायक को आवास आवंटित है। इन्हीं आवासों में से कुछ को गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ विधायक इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमाए बैठे हैं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधायकों के लिए विधायक हॉस्टल बनाया गया है। यहाँ 70 विधायकों के लिए 70 आवास की व्यवस्था है, लेकिन इनमें से भी मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर आदि को अलग आवास आवंटित होने के कारण विधायक हॉस्टल में 12 से 15 आवास खाली रहते हैं, जिनको राज्य संपत्ति विभाग गेस्ट हाउस के तौर पर प्रयोग करता है। इस गेस्ट हाउस का प्रयोग विधायकों से मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं या जरूरतमंद को सस्ती दरों पर ठहराने के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में कुछ विधायकों ने उनको आवंटित आवास के अतिरिक्त इन गेस्ट हाउस पर भी कब्जा जमाया हुआ है, जिससे अन्य विधायकों को ही दिक्कत नहीं होती। दूर दराज से उनको मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं को भी रात होटलों में बितानी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य को कैंट रोड पर बंगला मिला, लेकिन विधायक हॉस्टल का आवास भी अपने पास रखा है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल को भी अलग से बंगला आवंटित है, लेकिन दोनों मंत्रियों ने विधायक हॉस्टल का आवास भी खाली नहीं किया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक शक्तिलाल शाह भी अतिरिक्त गेस्ट हाउस पर भी अपना ताला लगाए हुए हैं। विधायक राजकुमार पौरी, अनिल नौटियाल, संजय डोभाल, सुरेश चौहान, प्रमोद नैनवाल, फकीर राम टमटा ने भी टाइप बी गेस्ट हाउस घेरे हुए हैं। विधायक आवास में संबंधित एमएलए से अलावा कुछ कमरे वहां पे खाली थे, जो कार्यकर्ता दूर दराज से आते थे उनके कम शुल्क में उनकी व्यवस्था हो जाती थी वहां पे, किंतु आज के दिन में वहां पे कोई भी कमरा खाली नहीं है। और ये तर्कसंगत नहीं है, ये विधानसभा को भी देखना चाहिए और राज्य संपत्ति विभाग को देखना चाहिए कि उचित व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कब्जा तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो कम से कम ऐसे विधायक नहीं है न ऐसे मंत्री हैं कि जो संपत्ति को कब्जा करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो यहाँ पर आके रुकते हों और लंबी अवधि के लिए रुकते हों, उसके कारण चाबी उनके पास हो सकती है, लेकिन उसको कब्जा तो नहीं कह सकते। अगर उनका अधिकार है तो उनको अलॉट भी हुआ होगा कि जब वो रहना चाहेंगे तो रहते होंगे। बात इतनी ही नहीं है, पूर्व विधायकों को आवास आवंटन का कोई नियम नहीं है। बावजूद इसके प्रताप नगर के पूर्व विधायक गुड्डू पवार और नानकमत्ता के पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा भी यहां आवास पर कब्जा जमाए बैठे हैं। राज्य संपत्ति विभाग कई बार आवास खाली करने को कह चुका है, लेकिन माननीय है कि मानने सुनने को तैयार ही नहीं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बुधवार को प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पवार पर अभद्रता करने के मामले को लेकर सचिवालय संघ का आज कार्य बहिष्कार किया। यह ऐलान किया उन्होंने, जिसके बाद आज सचिवालय कर्मी आधे दिन के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सचिवालय संघ ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उत्तरकाशी से खबर, जहां कल सीएम धामी के दौरे के बाद हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और डीएसपी प्रशांत कुमार और एडीएम रजा अब्बास को हटा दिया गया और एडीएम रजा अब्बास को शासन से अटैच कर दिया गया है, जबकि डिप्टी एसपी प्रशांत कुमार पुलिस हेडक्वार्टर अटैच किए गए हैं। उत्तरकाशी में पिछले दिनों हुए मस्जिद और अतिक्रमण को लेकर बवाल को लेकर हिंदू संगठन ने एक बार फिर महापंचायत का ऐलान किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक अनुज वालिया का कहना है कि 25 नवंबर को तहसील स्तर पर प्रशासन का ज्ञापन देंगे और 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। अनुज वालिया ने यह भी बताया कि जिस मस्जिद जिसे बताया जा रहा है उस मकान के कागज अवैध हैं और वो एक आतंकवादी सेंटर बन चुका है। जितनी भी अवैध गतिविधि इसके द्वारा संचालित की जा रही है उनकी सबकी जांच करके इसे प्रतिबंधित करना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। इन मांगों को लेकर हम 25 तारीख को सभी तीनों तहसील में ज्ञापन देने वाले हैं और 1 तारीख को एक बड़ी महापंचायत रामलीला ग्राउंड में अपने द्वारा की जाने वाली है। सर्दियों की शुरुआत होते ही कॉर्बेट में बाघों का खौफ शुरू हो चुका है। मंगलवार को यहां जंगल में लकड़ी बीनने गई कौशल्या देवी को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया और ऐसे में ग्रामीणों का अब जंगल की तरफ जाना बंद हो गया है, जिससे इन ग्रामीणों को घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही ये सभी जंगल से मवेशियों के लिए चारा लाती हैं। अब मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी बहुत चुनौती भरा हो गया है। हालांकि गुरुवार को कॉर्बेट के डायरेक्टर ने गांव जाकर इनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। रोज जंगल घास लकड़ी को जाते हैं, परेशानी सभी पीछे घास लगी है, लकड़ी के लिए पानी की भी है। आज तो ये लकड़ी के बहाने गई है, कल को हम अपने पानी के लिए भी जाते हैं, हमें तब भी इसकी आप डर है। हमारा जो धारा है और टंकी है वहाँ लेके ले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। जंगल का रास्ता ऐसा है कि हर समय खतरे की।
पौड़ी गढ़वाल के स्वर्गाश्रम नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष माधव अग्रवाल और सभासद के पति मुरली शर्मा को 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई। एसएसपी लोकेश्वर सिंह की माने तो डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट में माधव अग्रवाल और मुरली शर्मा को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया, जिसे लेकर उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। उधर माधव अग्रवाल ने इसे निकाय चुनाव से दूर रखने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि डीएम के इस फैसले को वो कोर्ट में चुनौती देंगे। जनपद पुलिस के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो कि आदतन अपराध में संलिप्त हैं, इनके विरुद्ध लगातार गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दो व्यक्ति जो कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के रहने वाले थे, इनकी गुंडा एक्ट में कार्रवाई करने के उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा जिला बदर के आदेश पारित किए गए हैं, जिस क्रम में जिला बदर की कार्रवाई करने हेतु लोकल पुलिस के द्वारा तामील करने के उपरांत इनको जिला बदर करवाया जा रहा है। इधर टिहरी जिले के भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावित गांवों का सर्वे होने के बाद अब विस्थापन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पहले चरण में जहां सबसे ज्यादा प्रभावित तिनगढ़ गांव के करीब 108 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, वहीं एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब दूसरे चरण में कोट, तोली, जखाना समेत दूसरे आपदा प्रभावित गांवों के विस्थापन का काम किया जाएगा। डीएम का कहना है कि कई बार सर्वे के बावजूद आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया था, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 103 परिवारों का विस्थापन पहले किया जाएगा। जिनकी भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है, करीबन 40 से 50 परिवारों की भूमि चयन हो गया है और जियोलॉजिकली स्टडी भी हो गई है, और अन्य जो 50 करीबन बचे हैं उनके लिए प्रक्रिया जारी है। और दिसंबर जो 31 दिसंबर 2024 हमने टारगेट सेट किया है कि हम जितने भी परिवार पहले की आपदाओं से भी प्रभावित और रिसेंट आपदा से भी जो प्रभावित रहे उन सभी का विस्थापन। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन हरिद्वार जिले के 3 गांव के डाकखाने आज भी बिजनौर के पिन कोड पर ही चल रहे हैं। यहां लोगों को उनके चिट्ठी और जरूरी दस्तावेज लेट लतीफ मिलते हैं या फिर खुद बिजनौर के चक्कर काटने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, यहां के युवा ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा नहीं उठा पाते। हरिद्वार जिले के लाल ढाका, गेंडी खाता और मीठी बेरी गांव उत्तराखंड बनने से पहले बिजनौर जिले के अंतर्गत आते थे। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और इन गांवों को भी उत्तराखंड में शामिल किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने से इन गांव की पहचान तो बदली, लेकिन 24 साल बाद भी इनके पिन कोड नहीं बदल पाए हैं। यहां के 3 पोस्ट ऑफिस बिजनौर जिले से संबंध है, जिसकी वजह से यहां डाक सीधी ना पहुंचकर बिजनौर जिले के नजीबाबाद से घूमकर आती है। अगर कोई जरूरत दस्तावेज डाक खानों में अटक जाए तो लोगों को बिजनौर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां के युवाओं को है, जो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में भी होम डिलीवरी का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो यहां का यूपी का पिन कोड है 2467। तो पहले कोई चीज मंगाना तो नजीबाबाद जाती है, उसके बाद वहां से आती है गंडी खाते में, पता नहीं जी तो पिन कोड चेंज नहीं हो पाया यहां हरिद्वार का। तो आपके गांव के लोगों को क्या समस्या होती है इससे? इससे ये होता है कि समय पर डाक नहीं मिलती या कुछ मंगाना हो पार्सल वार्सल तो समय पर नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर सर मैं वहीं पे जाना पड़ता है ना श्यामपुर पे, यहाँ को कोई पिन कोड ही नहीं है, श्यामपुर पे जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। आप कहाँ का पिन कोड डालते हो फिर? ये हम हरिद्वार का डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर बिजनौर पड़ गया ना, वहाँ से आता नहीं, फिर श्यामपुर में जाना पड़ता है। डाक विभाग की ये लापरवाही पोस्ट ऑफिस स्टाफ के लिए भी जी का जंजाल बनी हुई है। यहाँ के पोस्ट मास्टरों को भी नजीबाबाद से डाक लानी पड़ती है और फिर गांव में चिट्ठी बांटी जाती है। 3 पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन बारी बारी नजीबाबाद से डाक लेकर आते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, हमें वहाँ से डाक भी लेने जाना होता है नजीबाबाद से, जो कि हमें काफी दूर पड़ता है यहाँ से। तो अगर यहाँ से मतलब हरिद्वार से शिफ्ट हो तो ज्यादा वो रहेगा, मतलब सही टाइम टू टाइम डिलीवर तो हो जाती हैं, बट ये है मतलब प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ जाने में पूरा दिन ही वेस्ट रहता है। कोरियर और ईमेल जैसे माध्यमों का चलन आम हो चुके हैं, अब ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस पर निर्भर नहीं है। हालांकि सरकारी तंत्र में आज भी पत्रों को भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उत्तराखंड में शामिल होने के 24 साल बाद भी यहां की आबादी चिट्ठी पत्री के मामले में उत्तराखंड की नहीं हो सकी है। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम क्षेत्र को नगर पंचायत बनाए जाने की मांग सरकार से की। पुरोहितों का कहना है कि यमुनोत्री धाम के नगर पंचायत बनने से यहां आने वाले यात्रियों को अच्छी व्यवस्था मिल सकेगी। की अपेक्षा जो यमुनोत्री धाम पिछड़ा हुआ है उसका मेन कारण है कि यमुनोत्री धाम को नगर पंचायत नहीं बनाया गया है, जबकि अन्य तीनों धाम नगर पंचायत बने हुए हैं पहले से ही। जैसे ये घाटों के निर्माण हैं और ये कुंडों के निर्माण हैं, ये सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ये स्ट्रीट लाइटें वगैरह जितनी भी समस्त व्यवस्थाएँ हैं ये सब जो है नगर पंचायत से कार्य हो जाते हैं। अभी जिला पंचायत जो है सारा पैसा जो है पता नहीं उत्तरकाशी मेले माघ मेले में लगाता है कि उत्तरकाशी में गुरुवार देर शाम को चंपावत से गोलू देवता का जत्था काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। गोलू देवता और उनके पशुओं के आने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी गोलू देवता से मन्नत मांगने मंदिर पहुंचे और पूरा मंदिर गोलू देवता की भक्ति में झूमता नजर आया। आपको बता दें कुमाऊं में गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार न्याय का देवता कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है और ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है और यहाँ देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक चमत्कारिक मंदिर है और इन देवी देवताओं की शक्तियों से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश विदेश के लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। और आजकल उत्तराखंड में जो गोलजू महाराज हैं जिनको न्याय का देवता कहते हैं वो उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ जी की यात्रा पे हैं। बद्रीनाथ धाम में ग्रीन जोन हटाने की मांग तेज हो रही है। स्थानीय लोग स्वरोजगार के लिए बद्रीनाथ धाम में होटल और लॉज का निर्माण चाहते हैं जिसके लिए ग्रीन जोन हटाने की मांग कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है जिसमें स्थानीय लोगों ने बिना किसी शर्त के मास्टर प्लान के कार्यों के लिए अपनी भूमि होटल मकान सब दे दिया है, लेकिन प्रशासन ने कुछ इलाकों को ग्रीन जोन में रखा है जिससे इस इलाके में मकान होटल या लॉज बनाने पर फिलहाल रोक है। स्थानीय लोगों की मांग है कि ग्रीन जोन की जमीन पर व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाने की मंजूरी मिले ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बद्रीनाथ धाम को पूरे बद्रीनाथ धाम को ग्रीन जोन तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन कुछ स्थान उन्होंने चयनित किए हैं। वहाँ के मूल निवासियों ने स्थानीय निवासियों ने अपनी भूमि को प्रधानमंत्री महोदय के ग्रीन ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से अपनी भूमि शहर से दी। उस वक्त न उन्होंने भूमि के बदले भूमि की मांग की, न भूमि के बदले नौकरी की मांग की, लेकिन अब जो उनकी भूमि बची है वो ग्रीन जोन में आ रही है जिससे वो बेरोजगारी के स्तर पर आ गए हैं। वही प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में कुछ मकानों के तहत बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण ना हो और धाम की सुंदरता बनी रहे इसके लिए कई इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया है और स्थानीय लोगों की मांग पर शासन को लेटर भेजा गया है। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि साहब वो उनकी निजी नाप भूमि भी उसमें है जिसमें क्योंकि बद्रीनाथ एक कमर्शियल और आध्यात्मिक जगह है तो उनका ये कहना है कि साहब हम इसको कमर्शियल पर्पस से भी यूज करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि वो ग्रीन जोन में चिन्हित है तो वो चीज़ उनके आड़े आ रही है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार बढ़ रही है और लाखों की संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार की आशा है और ग्रीन जोन लोगों के सपने पर पानी फेर रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले में शासन क्या फैसला लेती है। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लग सकता है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड साल 2025 से 26 के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए पिटीशन तैयार कर रही है जिसे कॉरपोरेशन कुछ दिनों बाद उत्तराखंड नियामक आयोग को भेजेगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपीसीएल ने मौजूदा बिजली दरों में 20% तक बढ़ोतरी के लिए याचिका तैयार की है जिसके बाद नियामक आयोग पूरे मामले में जनसुनवाई कर मार्च महीने में नई दरों की घोषणा करेगा। कि हमारा जो 25-26 का टैरिफ की पिटीशन हमें यूएआरसी में दाखिल करनी है उसकी तैयारियां काफ़ी हो गई हैं लेकिन फाइनल शेप अभी तक नहीं बना पाया, उसमें अभी हमारे 10 से 15 दिन लगने की संभावना है।
जैसे कंप्लीट होता है तो हम यूएआरसी में दाखिल, जरूरत पड़ी तभी हम बढ़ाते हैं, अन्यथा उपभोक्ताओं पर कोई लोड नहीं डालते, बहुत जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। हल्द्वानी से नेपाल, चंपावत और खटीमा जाने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। खासतौर पर बरसात के दिनों में इन इलाकों में लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना पड़ेगा, और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी से चोर गलिया होते हुए सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, पीलीभीत, बनबसा, टनकपुर का ये बेहद ही खूबसूरत रास्ता है। यही रास्ता आगे नेपाल और चंपावत की ओर भी जाता है, लेकिन इन्हीं रास्तों पर बारिश के दिनों में आने वाले खतरनाक नालों ने कई लोगों की जिंदगी का सफर खत्म भी किया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि आने वाले समय में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस रोड पर पड़ने वाले इन शेर और सूर्या नालों पर अब पुल बनने का रास्ता साफ हो चुका है। पहले फेज में शेर नाले में करीब 10 करोड़ के बजट से पुल बनाया जाएगा, जिसका काम बकायदा शुरू हो चुका है। सर्वप्रथम हम लोग डाइवर्जन का काम करेंगे, और डाइवर्जन के काम के उपरांत फिर हम पुल की फाउंडेशन और इस पर काम करेंगे। इस काम को करने की जो कुल लागत है वो 9 करोड़ 13 लाख रुपए है, और इसको कार्य पूर्ण होने की जो अवधि है वो 1.5 साल है। तो उम्मीद है कि हम लोग करीब 18 महीने से पूर्व ही इस पुल को चालू कर देंगे। दरअसल इन बरसाती नालों की वजह से कई परिवारों के चिराग अभी तक बुझ चुके हैं, विशेषकर बरसात की रात के अंधेरे में ये जानलेवा साबित होते हैं। विशेषकर बाइक और स्कूटी सवार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक के बजट से जिंदगियां जाने का सिलसिला आखिरकार थम जाएगा। आम दिनों में सामान्य से दिखने वाले ये नाले बरसात के दिनों में जानलेवा साबित होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बरसात होती है उसका पानी इतना तेजी से इन नालों की तरफ पहुँचता है कि ये कई लोगों की जान ले लेता है। ये सामने देखिए, ये शेर नाला ही है, लेकिन अभी आपको इसको देख करके उतना डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन बरसात के दिनों में इसे पार करना असंभव सा होता है। और एक साल तो इसमें ऐसा रहा कि इस तरीके की रोडवेज की बस तक इसमें बह गई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पानी का वेग इस नाले में कितना होता होगा। ऐसे में सालों से लोग इस रोड पर पुल की डिमांड कर रहे थे, और अब सरकार ने उस पुल की डिमांड पूरी कर दी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18, हल्द्वानी। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के मोहनपुरा में एक आदमी की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोटद्वार में चेक बाउंस मामले में एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अदालत ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया था। राज्य के सभी 13 जिलों में उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति न होने पर हाईकोर्ट सख्त, अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए सचिव खाद्य नागरिक सुरक्षा को 12 नवंबर को हाईकोर्ट में तलब किया। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कई सरकारी ऑफिसेज का औचक निरीक्षण किया, इस दौरान कर्मचारी ऑफिस में नहीं मिले, जिन पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताई। बागेश्वर के सेरा गांव में खनन से गांव पर बने खतरे को पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। रुड़की में 4 करोड़ की लागत से सोलानी पार्क का सौंदर्यीकरण का काम होना था, लेकिन एचआरडीए की ओर से बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया। रामनगर में कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, इस जोन से खुलते ही कॉर्बेट में सभी सैलानी जोन खुल जाएंगे। पिथौरागढ़ में चल रहा राज्य स्तरीय सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव का समापन, 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में प्रदेश के बॉर्डर जिलों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की। नैनीताल हाईकोर्ट में एक हफ्ते से अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर कुछ साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों ने पूजा अर्चना की।